हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू भाजा। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ आलू भाजा। ये इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने रेडी कर रखा है, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम बनाते हैं इसको आलू भाजा। ये आलू हमने छोटा छोटा बारीक काट रखा है और मिर्च, हरी मिर्च ऊपर काट रखा है, इसको चीरा लगाया हरी मिर्च को। आप देखिए थोड़ा पानी है, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है, आधे गिलास से भी कम, 1/4 ऑफ ग्लास। अब देखिए इसमें हमने कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, गैस पे रख दिया मैंने चूल्हे पे। अब तेल डाल दिया हमने, आलू भाजे में थोड़े तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कम से कम 30 ग्राम तेल तो है इसमें, इतना डाल रखा है। बाद में अगर ज़रूरत है तो फिर और भी डालेंगे ऊपर से। तो सबसे पहले हम मिर्च को फ्राई करेंगे, इसको अलग से खाने के लिए चावल के साथ। तो मिर्च थोड़ा क्रिस्पी रहे इसके लिए थोड़ा सा साल्ट इसमें डालेंगे। मिर्च कभी कभी चटक के बाहर आ जाता है तेल इसका, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। चश्मा उसमें लगा लें तो अच्छा है, मैंने तो नहीं लगाया है। ये हम मिर्च को तल लिए हैं, अब एक एक करके इसको हम निकालेंगे। इसको अलग से हम राइस के साथ खाते हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए। हमने आलू को अच्छे से काटा, धोया और इसको हमने मिर्च उर्च भी काट लिया। इसको हम डालेंगे इस तरह से, धीरे से, झटके से नहीं, फिर तेल ऊपर आ जाएगा। डाल दिया हमने, सारा आलू पड़ गया है कढ़ाई में। अब हम इसको, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये आधा किलो से ज़्यादा आलू है, 650 ग्राम तक आलू है, उससे भी ज़्यादा 700 भी हो सकता है, तो बाद में कम हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा सा इतने में हो जाएगा। और इतना ही हल्दी डालेंगे, कम भी डालते हैं तब भी चलता है। आधा चम्मच डाल दिया हमने हल्दी। अब इसको हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने ऐसे बर्तन में आलू धो रखा है कि पानी एकदम निचुड़ गया, पूरा एक भी बूंद नहीं बचा, तो हम आपको ये कहते हैं कि थोड़ा सा पानी डालिएगा इसमें। और मुझे तो डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी से ही निकाल रखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी खा खा ली। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा रखेंगे। मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, अब इस तरह से करके हम थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, कवर करेंगे ताकि इसके अंदर जो बास्प है उसी से बन जाए। ऐसे कवर करना है कि बास्प निकल ना पाए। और थोड़ा आँच कम करेंगे इसको, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और बार बार इसको पलटेंगे, हर 2-3 मिनट बाद बार इसको पलटते रहेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना पका है आलू। इसको हम 3-4 मिनट हो गया है, देखते हैं, अभी भी पका नहीं है। ऐसे बार बार हम पलटेंगे, 2-3-4 मिनट बाद बार, 3-4 मिनट बाद बाद ही पलटेंगे। तो ऐसे बर्तन से हमें ढकना है कि इसका बास्प बाहर ना आए, भाप में ही पकेगा। तो ये थाली थोड़ी सी बास्प बाहर आ जा रहा था, तो हम इससे कवर करते हैं अच्छे से। देखिए ढक दिया हमने आलू को, तो ऐसे आप भी कीजिएगा। 3-4 मिनट बाद बाद इसको पलटते रहेंगे हम। तो फ्रेंड्स देखते हैं कितना पका है। अभी नहीं पका है,
जब ये पक जाएगा तो खुद ही आलू से ऑयल जो है छूटने लगेगा, बाहर आ जाएगा। नेचुरल ऑयल होता है हर सब्ज़ी का। और तब हम देखेंगे कि पक गया, कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। तो इसको हम अब एकदम लो फ्लेम पे कर देते हैं, सिम पे रखते हैं और ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पलटेंगे। देखते हैं कितना पका है। ये देखिए, आलू तेल बाहर छोड़ रहा है, मतलब पकने वाला है। लास्ट टाइम में हम सिम पे रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ढंग से नहीं पक पा रहा है, तो अब तेल कम हो गया है, तो हम ऊपर से थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। हम तो डालते हैं ऐसे, ठीक है। जब हम तेल डालेंगे तो आलू को थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे ऐसे, और हाई फ्लेम पे कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया इसमें। बीच में थोड़ा गर्म हो जाए। हाँ, तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुका है, अब इसको हम मिला देते हैं इसमें। मिक्स कर दिया हमने अच्छे से, फुल आंच पे ही है अभी, क्योंकि हम तेल मिक्स कर रहे हैं तो कच्चे तेल की महक आती है। फिर चिपक ना जाए तो हम इस तरह से इसे हटा देंगे कि चिपक रहा है। अब इसको हम फिर से कवर करेंगे और बार बार ऐसे दो तीन मिनट बाद, अब चार पाँच मिनट नहीं चाहिए, दो तीन मिनट बाद बाद हम इसे पलटेंगे। तीन चार बार में ये पक जाएगा। कवर करती हूँ मैं, दो तीन मिनट बाद देखूँगी, और सिम पे रखती हूँ एकदम लो फ्लेम पे। एक बार और देखती हूँ कि कितना पका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पक गया है आलू अच्छे से। इसको हम अब फुल आंच में करते हैं, क्योंकि अब हम इसको ढकेंगे नहीं। पक चुका है आलू, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे हम पलट देंगे ऐसे। हमने थोड़ा थोड़ा इसको फैला वाला दिया, और बार बार हर एक दो मिनट बाद बार इसको पलटा। पूरा रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे चावल के साथ। तो फ्रेंड्स आलू भाजा रेडी है। ये हमने सूखी मिर्च पहले फ्राई कर रखा था, ये अलग से हम टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। जिसको चाहिए मिर्च वो खाएगा, और जिसको नहीं चाहिए, इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च भी है, आप वैसे भी स्वाद ले सकते हैं उसको। जो कम मिर्च खाते हैं उनके लिए हरी मिर्च है, जो ज़्यादा खाते हैं वो इस तरह से सूखी मिर्च के साथ खा सकते हैं। और इसको हम इस तरह से ये थोड़ा एक्सेस हो गया है, अब कोई खाना चाहेगा तो इस तरह से वो खा सकता है। बहुत ही टेस्टी डिश है ये आलू भाजा, बंगाली रेसिपी। और आप भी अपने घर पे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए चावल के साथ। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खाइए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।